मैंने कहा था अश्विनी नक्षत्र को ना कि इसका सिंबल है मेल हॉर्स, और अश्विनी का मतलब ही है अपने आप में चीजों को, अश्विनी का मतलब है मूवमेंट, घोड़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपने आपने का स्टोरी पढ़ा कि नॉस्ट्रिल से नाक से पैदा हुए है ना, और संजना छोड़ के जाती है सूर्य को, और फिर उसके बाद एक का मतलब मिस्टीरियस कंडीशंस में वो पैदा होते हैं, ठीक है, या कह लीजिए कि उसका ऑड सा कंडीशंस है जब वो पैदा हुए। तो मैंने कहा था कि ये सबसे चंचल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सबसे फास्ट है, इसके अंदर हेस्टीनेस है कह लीजिए, ठीक है, क्षिप्र मैंने एक वर्ड बोला था, ठीक है, लाइट, लघु लाइट, ठीक है, लाइट है, और तेज तेजी है आप कह लीजिए। तो मून जो चंद्रमा है, हमने एक चार्ट डिस्कस किया ग्रुप में, आपने देखा मून जो चंद्रमा है वो अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में है, या अश्विनी में बैठा हुआ है 12वें भाव में। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब वो अश्विनी में चला गया तो आदमी का जो सोचने का तरीका है वो बहुत, जो सोचता है जो माइंड है उसको, वो बहुत स्पीड से दौड़ता है आदमी का। मैंने कहा था अश्विनी नक्षत्र है, बहुत हेल्पफुल है, तो मून जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएगा तो हेल्पफुल नेचर देगा आदमी को। कैंसर नवांश में चला गया तो ओवर इमोशनल बना देगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ मून अश्विनी में बैठा हुआ है 4th हाउस में, इस आदमी का जो सोचता है ये बहुत बहुत तेजी से इसका दिमाग, ठीक है, बहुत दिमाग चलता है इसका, या कह लीजिए कि मन बहुत चंचल है, सोचते सोचते ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग क्यों है, क्योंकि एक तो चंद्रमा अश्विनी में बैठा है, राहु बैठा है स्कॉर्पियो में, तो डायरेक्टली इस मून को इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है, वास्टनेस है, ये ओवर थिंकिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा इसको। अभी मून अश्विन में है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, नो डाउट अच्छा भी है। इस सब मैंने कहा था मून अश्विनी में हो तो मून फूड को रिप्रेजेंट करता है, खाना खिलाने का शौक हो सकता है आदमी को, दूसरों को फूड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, इस चीज को इंजॉय करता है वो आदमी कि भाई मैं किसी को खाना खिलाऊं, मैं हॉस्पिटैलिटी अच्छे से करूं, ठीक है। आदमी अश्विन नक्षत्र में मून है तो परफेक्शन चाहिए काम में। अब राहु बैठा है तो ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि चंद्रमा अश्विनी में हो, अश्विन नक्षत्र में मैंने कहा था कि नाक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। अभी ये मून के साथ राहु भी है, ठीक है, तो ये 4th हाउस में मून बैठा है, तो ये आदमी अपने घर में भी टिक के नहीं बैठ सकता है। आपको याद होगा जब चंद्रमा अश्विनी 12 हमने पढ़ा था, वो कैंसर नवमाश में है, कैंसर उसके 3rd हाउस में पड़ता है, वो आदमी ट्रेवल करता है, ठीक है, क्विकनेस है उसके, टिकता नहीं है। मैंने कहा था चंद्रमा अश्विनी में है 12वें में और केतु पाइसिस में बैठा हुआ, ये आदमी पांव हिलाता है, इतना तेज उसका दिमाग चलता है 24 घंटे, वो एक ऐसा दिमाग उसका चला है कि उसके पांव पांव उसका टिकता नहीं है। 12वां भाव पांव का पांव को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव पांव को रिप्रेजेंट करता है, वहां चंद्रमा अश्विन बैठा है, उसका थॉट प्रोसेस इतना फास्ट है कि वो अकेला बैठ के भी या बातें करते टाइम भी पांव हिलाता है, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और है, वो बहुत मूवमेंट है उसके उसके थॉट्स में। मून जब अश्विनी में आ गया तो ऐसे आदमी मैंने कहा हेल्पफुल होते हैं, है ना, खाना खिलाने का शौक हो सकता है, दूसरों को फार्मिंग या कुछ गार्डनिंग का शौक हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अभी 4थे भाव में बैठा है तो ये आदमी घर में टिक के नहीं बैठ सकेगा, इसको सफोकेशन हो जाएगा एक जगह बैठ के, इसको वेंटिलेशन चाहिए, रूम में भी इसको वेंटिलेशन चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, खुला खुला चाहिए, टिकेगा नहीं ज्यादा टाइम, अगर इसको घर में हो जाएगा तो बोर हो जाएगा, फिर वो कहीं मूवमेंट चाहता है, मुझे कहीं ना कहीं घूमने जाना है, ठीक है, ट्रैवलिंग चाहिए इस आदमी को, ये आदमी खुश होगा जब इसको ट्रैवलिंग के लिए लेके जाएंगे। अभी मून अश्विनी में 4th हाउस में बैठा है तो इसका घर जो है ऐसी जगह पे हो सकता है जो पहाड़ियों वाला एरिया हो, जो सिटी से काफी दूर हो, ठीक है, अंडर डेवलप्ड एरिया हो, कंट्री साइड विलेज टाइप का, ठीक है। अभी मून 4th में है, राहु बैठा है स्कॉर्पियो में, तो कहीं ना कहीं इस आदमी के घर के पास एक वाटर का बड़ा रिसोर्स होगा, ठीक है। अब राहु मून मून आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेसिव फूड खाना, उससे बचना चाहिए इस आदमी को। इसके अलावा मैंने कहा था कि ये मून अश्विनी में जिनका भी होता है वो दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, वो हील कर सकते हैं या दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देके, ठीक है, ये आदमी दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देके, मान लीजिए कोई डिप्रेस्ड है या कुछ भी है तो ये उसको दूसरों को सपोर्ट देके हील कर सकता है। मैंने कहा था कि मून अश्विनी में हो, अश्विनी नक्षत्र, मैंने कहा था प्राण वायु और अपन वायु, दो चीजों मैंने बताया था उसको रिप्रेजेंट करता है। इस आदमी का मून अश्विनी में ही बैठा हुआ है, और जब मून अश्विन बैठा होगा तो नेचुरली भाई इसके, इस आदमी की केतु की महादशा रही होगी जब ये पैदा होगा। केतु 5th में बैठा है, डेबिलिटेड, नीच का होके केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन, ऐसा मदर की लाइफ थोड़ा सा संघर्ष रहा होगा,
जैसा कि अश्विनी की मदर का रहा, सरकमस्टांसिस ऐसे बने कि छोड़ के जाना पड़ा, कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जहां पर कि मदर या फादर को, दोनों को, मतलब मदर को छोड़ के जाना पड़ा होगा, अगर ऐसा सिचुएशन आया होगा, ऐसा रहा होगा बचपन में कि मदर को संघर्ष करना पड़ा होगा। ठीक है, अभी चंद्रमा अश्विनी में बैठ के केतु फिफ्थ में बैठा हुआ है, नेचुरल कनेक्शन है, भले ही अपना चाइल्ड हो या ना हो, ठीक है, लेकिन नेचुरल कनेक्शन है चाइल्ड के साथ, दूसरों का चाइल्ड भी बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये केयरिंग नेचर देगा, मून अश्विन में है तो केयरिंग नेचर देगा, स्पीडी थॉट्स देगा। ठीक है, मैं सेवेंथ लॉर्ड मून अश्विनी में बैठा हुआ है, मैंने कहा था कि शादी एक बार में नहीं होता, कुछ या तो पोस्टपोन हो जाएगा शादी, शादी के टाइम किसी का डेथ हो जाएगा, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा शादी के टाइम। सेवेंथ लॉर्ड अगर अश्विनी में बैठा हो, मैंने ये भी कहा था, एक चार्ट दिया था मैंने कि लिब्रा असेंडेंट है, मार्स अश्विनी में है सेवेंथ हाउस में, तो मार्स सेकेंड हाउस को भी डिनोट करता है, तो शादी के टाइम पे कोई ना कोई झगड़ा पैसों को लेकर के या फैमिली में किसी का डेथ होना लाजमी है, मतलब हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे चंद्रमा अश्विनी में बैठा हुआ है और ये केतु फिफ्थ में बैठा है, मैंने कहा था कि इनहेलिंग एक्सहेलिंग, मतलब ये जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उस प्रोसेस में भी अश्विनी को देखा जाता है, ब्रीदिंग। तो कहीं ना कहीं ये सेवेंथ लॉर्ड जब अश्विनी में बैठा है और केतु डेबिलिटेड है, तो इसका जो लाइफ पार्टनर है उसको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग इशू, ईयर नोज टीथ से उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है, या तो वो ENT स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर हो, या उसका कुछ ना कुछ ईयर और नोज से रिलेटेड इश्यूज होगा, मतलब ब्रीदिंग इशू कुछ ना कुछ महसूस होंगे। इस आदमी को भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ट्रेवल करने के दौरान और ओवर थिंकिंग के कारण हेडेक होना, ठीक है, ऐसा कुछ इशू होगा इसको और इसके पार्टनर को भी। इस मैंने कहा था कि सेवेंथ लॉर्ड अश्विनी में हो तो हो सकता है आपके पार्टनर को जो है डायबिटीज होने का खतरा, स्पेशली वीनस, सेवेंथ लॉर्ड वीनस अगर अश्विनी में चला जाए तो आपके पार्टनर को डायबिटीज शुगर होने का खतरा रहता है, और सेवेंथ लॉर्ड अश्विनी में हो तो मीठा खाना पसंद हो सकता है आपके पार्टनर को। एपी शर्मा जी, वीडियो वीडियो को आप बंद कर दीजिए, वीडियो को क्लोज करिए, ऑडियो रखिए, बस सुनिए जी। अभी इस आदमी का केतु फिफ्थ में बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैंने कहा था केतु जहां बैठता है पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ अंड है, वहां पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, तो यहाँ पे ये केतु फिफ्थ में बैठा है और चंद्रमा अश्विनी बैठा है, तो कहीं ना कहीं एक तो जो चाइल्ड इश्यूज रहेगा, मिसकैरेज का इश्यू रहेगा इस चार्ट में, बोलते हैं ना अश्विनी नक्षत्र को अबॉर्शन से जोड़ा गया, ब्लॉकेज होगा, एक चाइल्ड जो होने वाला रहेगा उसको, उसका क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देगा, केतु फिफ्थ में है तो दिक्कत आएगा चाइल्ड बर्थ होने में। मैंने कहा था कि चंद्रमा अश्विनी में हो, ब्रीदिंग इश्यूज हो किसी का, तो मैंने कहा एक रेमेडी बताया था, पीपल, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, कोई ये लेडी का चार्ट है तो जब प्रेगनेंसी होगा उसके दौरान ऐसा महसूस होगा कि उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बॉडी को, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि आपको जो है पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, सुबह शाम आपको पीपल के आसपास घूमना चाहिए, पीपल के पेड़ के आसपास, है ना, सुबह शाम वहां जाना चाहिए, बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग की संक्रांति के बाद जो दूसरा शनिवार आता है वहां पे पीपल पे पेड़ चढ़ाने, पानी चढ़ाने के लिए जाना चाहिए। तो मून अगर अश्विनी में है और ब्रीदिंग इश्यूज है, ठीक है, किसी लेडी को है या उसके पार्टनर को है, तो ऑक्सीजन लेना चाहिए प्रॉपरली, कैसे लेना चाहिए, पीपल का रेमेडी करना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ के आसपास घूमिए सुबह शाम, क्योंकि आगे चल के जब ये फिफ्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, मून अश्विनी में है, तो जब ये प्रेगनेंसी होगा, आगे चल के चाइल्ड बर्थ होना, तो इशू आएगा, सफोकेशन और ये सब सारी चीजें फील होंगी, मिसकैरेज होने का खतरा है, इसके लिए पहले से रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस हमारा स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, केतु श्रिंक करता है चीजों को, मैंने कहा था कि प्राण वायु, अपन वायु से जोड़ा था हमने अश्विनी नक्षत्र को, इस ये आदमी को क्या करता है, ये आदमी को जो स्टमक का इशू है उसके लिए वो जो बाबा रामदेव वाला वो जो करवाते हैं ना, वो जो पेट में क्या कौन सा वो योग है, प्राणायाम है, नॉली, कपाल हाँ कौन सा, भारती सर, हाँ नॉली कपाल नॉली, भारती, नमस्ते हाँ कपाल भारती, और वो जो एक नाम सर, मीनू बोल रही जी, नमस्ते मैडम, अलोम विलोम,
हाँ, और जो अलोम विलोम जो करते हैं, अनुलोम विलोम को तो सर ज्यादातर माइंड के लिए बोलते हैं, माइंड में ऑक्सीजन आपकी अच्छे से जाएगी इसके हाँ लिए तो बोलते हाँ ऑक्सीजन में कमी है ना, वो वही बता रहा हूँ मैं, वही चीज बता रहा हूँ कि वो वाला योगा करना चाहिए नाक से आपके, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो सकता है आपको महसूस, ठीक है, सफोकेशन होता है या कुछ भी होता है, और ड्यूरिंग द, तो ऐसे आदमी को करना चाहिए। और मून अश्विनी में हो तो जनरली ऐसे लोग करते हैं सुबह सुबह सैर करना, और अलोम विलोम प्राणायाम कुछ इस तरीके का करना चाहिए, ठीक है। और इस आदमी को केतु फिफ्थ है, तो मैंने कहा था कि कोई चीज को हम खाना और जो उसका एग्जिट है, खाने का एग्जिट है, वो 8th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस में केतु बैठ गया, कुछ कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। मून अश्विनी में बैठा है और केतु फिफ्थ में बैठा है, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो वो सारे प्राणायाम और योगा आप कर सकते हैं। बाकी रेमेडी मैंने बताया कि अगर अश्विनी में मून है आपके पार्टनर को, या कोई भी प्लैनेट अश्विनी में बैठा हुआ है, और आपको या आपके पार्टनर को ब्रीदिंग इश्यूज है, मैंने कहा था पीपल का पेड़ लगाइए, पीपल के आसपास घूमिए सुबह सुबह, वॉक करिए, ठीक है। वीनस अश्विनी में हो तो मैंने कहा था लेडी बहुत पैशनेट होती है, सुबह सुबह उठने वाली हुई। मार्स अश्विनी में हो तो ये सारी चीजें मेल के अंदर देखने को मिलेगी, एकांत में रहना, या तो सुबह सुबह वीनस अश्विनी में हो तो लेडी पैशनेट है ना, साइकिलिंग करती है, दौड़ती है। और मैंने कहा था वीनस अश्विनी में है तो कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से, या उसको कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी होती है। वीनस अपने आप में मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। जब ये 6th हाउस में या 10th हाउस में अगर बैठ जाए अश्विनी में, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि कोई ना कोई मेडिकल फील्ड में जुड़ा होगा, बी फार्मा या कुछ ऐसे कंपनी या कुछ ऐसे में काम करता होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है मेडिसिन से। तो यहां पर ये दिक्कत है इस चार्ट में, मून अश्विनी में अभी बैठा। आपने बोला सर, अभी आपने बोला कि मून अश्विनी में तो आपके पार्टनर को ब्रीदिंग इश्यू होगा। अब सेवेंथ यहाँ लॉर्ड, पर सेवन सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड मैडम, ये हाँ जी, सेवन, क्योंकि मून मून यहाँ पर 7th लॉर्ड है। अगर हाँ किसी और के चार्ट में मून जिस भी हाउस में मून का साइन जाएगा, तो उस हाउस के रिलेटिव को हो जाएगी वो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बल्कि आदमी को स्वयं भी हो सकता है। आप देखिए मून अश्विनी में है, सैटर्न अश्विनी में है, 100% उसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम एक नंबर साइन को कालपुरुष कुंडली का 1st हाउस भी मान के चले। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जी हाँ। और मैंने कहा ना सैटर्न मून अश्विनी में बैठा है आदमी को, ब्रीदिंग क्या उसको अस्थमेटिक का प्रॉब्लम है, कहीं पर भी है चार्ट में, ठीक है। मून अपने आप में हमारे लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एफ्लिक्शन होगा, अश्विनी में बैठा होगा तो दिक्कत तो देगा ही। नेचुरल 4th हाउस लोड हो गया ना सर, हाँ इसीलिए। जी, ठीक है, चलिए। सर इसके अभी रुक जाइए, बाद में पूछिएगा यार, फिर मैं भूल जाऊंगा चीजें, क्या फायदा। आप लिख लीजिए आपने डाउट सेशन, डाउट लास्ट में, भूल जाऊंगा चीजें, क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मैंने कहा था मून अश्विनी में दूसरों को इमोशनली सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अभी वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में हो, भाई मून अश्विनी में बैठा है और मार्स बैठा है आपका स्कॉर्पियो में, या मार्स बैठा है कैंसर साइन में, तो वो तो एक्स्ट्रा हाइपर है उसका, उसके अंदर उसके थॉट्स में अग्रेशन है उसका, उसके थॉट्स बहुत फास्ट है लेकिन उसमें अग्रेशन है, ठीक है। तो ये हो अश्विनी की बात। अभी अभी मैं आगे ना थोड़ा जैमिनी नवांश के बारे में बताऊंगा कि भाई मून जैमिनी नवांश में जाता है तो क्या है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र को हम जोड़ते हैं, देखो अश्विनी जो कुमार से है ना, उन्होंने किसी को आंखें दे दी, ठीक है, किसी को सुनने की पावर दे दी, ठीक है, कुछ ना कुछ वो कर ही रहे हैं, वो दूसरों को हेल्प हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हमेशा। ऑडियो प्लीज किसी का भी है बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप। मून अश्विनी में तो फार्मिंग है, फार्मिंग से जोड़ सकता है, गार्डनिंग का शौक हो सकता है उसको, ठीक है। मून अश्विनी में है तो खाना खिलाने का शौक हो सकता है, ठीक है, और ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे हम बात करते हैं, अच्छा ये पीपल रेमेडी हो गया। अब अभी हम बात करते हैं वीनस अगर अश्विनी में हो, देखो वीनस अश्विनी में है ना, मैं चार्ट ही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मून अश्विनी में है। अभी एक और चीज बता दूं कि मून की जब दशा आएगी इसमें, इस चार्ट में, ये देखिए ये मून की दशा है, ये मून 2022 से चलेगा इसमें, तो मून जब अश्विनी में ना, तो समथिंग रिलेटेड टू 5th 4th हाउस कुछ नया स्टार्ट होगा, लीविंग प्लेस में परिवर्तन आ जाएगा।
ठीक है, और ट्रैवलिंग देगा काफी, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स और घूमना फिरना ये सब मून जब अश्विनी में होगा तो ठीक है। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप थोड़ा डिलीवरी जो स्पीच की है थोड़ा स्लो रखेंगे, वो नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं करता हूँ। एक सर ये जो अभी लास्ट में बताया वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? ये अगर मून की महादशा आएगी, मून अश्विनी में होगा, तो मतलब जो उसका आपने इम्पैक्ट बताया था काइंडली रिपीट कर दीजिए। लिविंग प्लेस में चेंज आएगा और बहुत ज्यादा सोच विचार करने की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर लो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि राहु स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और वो मून को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, अश्विनी में बैठे हुए मून को, और लिविंग प्लेस में परिवर्तन और ये सब चीजें होंगी, ट्रैवलिंग रहेगा काफी। सर एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए सर। अगर यहाँ पे तो राहु का नक्षत्र अलग है, मून अश्विनी में है और राहु जो ज्येष्ठा में है, तो आपने बोला अश्विनी वाला ज्येष्ठा वाले को इम्पैक्ट करेगा, तो अब मून फिर क्या मून राहु की सिग्निफिकेंस को इफेक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, और उसकी डिस्पोजिटर को इफेक्ट करेगा, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। ठीक है, राहु मान लीजिए 11th हाउस में बैठा है ज्येष्ठा में, तो यही चार्ट लगा लीजिए। मान लीजिए राहु बैठा है ज्येष्ठा में, ठीक है, मून अश्विनी में बैठा है, जब मून की दशा अंतरदशा आएगी डायरेक्टली वो राहु के रिजल्ट 11th हाउस से रिलेटेड को इम्पैक्ट करेगा, मतलब वो कोई काम कर रहा होगा मान लीजिए तो उसमें ट्रेवलिंग ला देगा उस काम में, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें मून का सिग्निफिकेशन जैसे फार्मिंग डेयरी ऐसा कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, 11th हाउस उसको पैसे से रिलेटेड चीटिंग भी हो सकती है, जैसे मून राहु चीटिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी अच्छा एक और चीज, एक और चार्ट ले लेते हैं, है ना, वीनस अश्विनी में है तो, वीनस अश्विनी में है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, इसमें वीनस अश्विनी में बैठा हुआ है। मैंने उस दिन कहा था कि अगर ये मान लो लेडी का चार्ट होता, ठीक है, अगर ये लेडी का चार्ट होता, मैं कहता कि यार वीनस अश्विनी में बैठा हुआ, जैमिनी नवमाश में गया हुआ है,